हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोनिक एसिड। इससे पहले हम लोगों ने अल्कोहल से जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे कंप्लीट किए थे, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का होता है 1265, द कॉमन नेम ऑफ एथनोइक एसिड इज। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन कंपाउंड है, ये सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो लोग रिवाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं है टॉपिक को। इसीलिए तो इसके बाद आप लोग वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप लोग गुड स्कोर इस टॉपिक में कर पाओगे। तो यहाँ पर कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड पूछा जा रहा है। तो एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है इसमें, आप यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। इथेनोइक, ये ई है, ये इधर आएगा और ये ए इधर आएगा, ठीक है, इथेनोइक एसिड होगा, ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इथेनोइक एसिड कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या फिर वेनेगर। वेनेगर आपको पता है, सिरका जो कि हम लोग देते हैं, हर जगह यूज़ आता है किचन में, तो उसका एसिटिक एसिड हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, या आपका वेनेगर, दोनों आपका सेम है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH, ये आपका ये फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड, लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको पता है लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जी हाँ, राइट आंसर है फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। सेम बात है, लाल चींटी यानी कि चींटी का डंक में क्या पाया जाता है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन को पूछा है घुमा के। तो आपको पता है यहाँ हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ डी में, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन वेनेगर। पहला क्वेश्चन हम लोग को था कि इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एसिटिक एसिड और वेनेगर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें पूछा है कि वेनेगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा एसिड। तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट ध्यान देकर पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ईजी हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका ये राइट आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन आपको, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 1269 में, यहाँ पर भी पूछा है कि विनेगर में मेनली कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ऑप्शन आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पर क्या है, तो ऑर्गेनिक एसिड मीन्स एसिड हम लोग डायरेक्ट हम लोग प्लांट से प्राप्त होता है, ये एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो सिट्रिक एसिड आपको पता है किससे किससे प्राप्त होता है, हम लोग जितने भी सार टेस्ट एंड फूड है उससे प्राप्त होता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, आंवला, ये सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं और इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि इसमें कार्बन आपका नहीं है, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड हम लोग किसमें पाया जाता है, वेनेगर में, ऑप्शन नंबर सी, वाइट वेनेगर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में आपका कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रेप्स में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज वेनेगर मेड अप ऑफ। तो सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको अभी तक तो दिमाग में छप गया है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ, एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, विच वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर इज एसिड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज। तो ऑरेंज आपको पता है विटामिन सी और सिट्रिक एसिड आपको पाया जाता है, ऑरेंज, लेमन, ये सब में क्या सिट्रिक एसिड का ज्यादा अमाउंट रहता है, तो सिट्रिक एसिड यहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन मिल्क टर्न सॉर डैश इज प्रोड्यूस, तो मिल्क आपका खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो जाए, तो वो होता है लैक्टिक एसिड।
ऑप्शन नंबर आपका मिल का बात आएगा आप लोग, लैक्टिक एसिड। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह था, कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है 5 to 8% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड, तो 5 to 8% एसिटिक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, वेनेगर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर, जो कि हम लोगों को खाने में यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ कार्बन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एसिटिक एसिड का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है 118 डिग्री सेल्सियस, बाकी सबका आपका कम रहता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दही, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और दही तो आप लोग खाते ही होंगे, लस्सी वगैरह, तो यहाँ पूछा एसिड फाउंड इन कर्ड, तो कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कर्ड में आपका पाया जाता है मिल्क मटेरियल है, मिल्क से बना हुआ, तो लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज इन सॉर मिल्क, तो खट्टा मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, फिर ये मिल्क का आपका प्रोडक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, जहाँ भी आपका मिल्क का प्रोडक्ट है आप लोग लैक्टिक एसिड यहाँ पर मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड में से क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इनमें से ऑर्गेनिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, जिसमें कार्बन रहेगा वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, जो प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त होगा फूड से, वो आपका नेचुरल रिसोर्स से, वो सब आपका क्या ऑर्गेनिक एसिड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक एसिड, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड हम लोग को मिलता है टोमेटो, स्पेनिच मीन्स पालक, और भी कई चारों चीज़ में मिलता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट विच एसिड इज़ यूज इन स्टिंग ऑफ एन एंट, तो ये तो आप ही लोग को बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जी हाँ इसमें हो जाएगा आपका मिथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक इंक्लूड, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो भी हम लोग पीते हैं, सेवन अप, मिरिंडा, कोका कोला और भी कितने सारे हैं, तो उसमें क्या रहता है, कार्बोनिक एसिड रहता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एसिड इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ, तो टार्टिक एसिड किसका कॉम्पोनेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला तो आप लोग फ्रूट में पाया जाता है टार्टिक एसिड, लाइक ग्रेप्स, बनाना, टेमराइंड, ठीक है, और ये आपका पाया जाता है बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड अल्सो कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम और सोडियम पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड को, उसको हम लोग बोलते हैं सोप यानी कि साबुन, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए, राइट हैंड। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें आपको बताना है रॉन्ग पेयर क्या है, ऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर, स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन कम्प्लीटली डिवाइड इन टू इट्स आयन, मिनरल एसिड इट इज़ डेंजर, तो इसी में से आपका एक है जो आपका रॉन्ग है, तो जी हाँ ऑर्गेनिक एसिड आप लोग देख रहे हैं ये आपका ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ये आपका होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड, तो यहाँ पर पता ना है सिट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लेमन में, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लेमन हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, ये सब में सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
ड्यू टू इंक्रीज इन डैश इट इज मसल क्रैम्प, कभी कभी हमारे बॉडी में क्रैम्प फील होता है तो किस एसिड के कारण ये होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? आपका मिल्क के प्रोडक्ट में भी मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैथ, मीन्स एसिड आपका जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, पहला आपको दिया गया है किससे प्राप्त होता है और सेकंड में दिया गया एसिड, तो लेमन में दिया है ऑक्जैलिक एसिड और टेमरिन में दिया टार्ट्रिक एसिड, स्टिंग ऑफ एंड फॉर्मिक एसिड, सौरभ में लैक्टिक एसिड। तो आप बी सी डी देख रहे हैं, तीनों सही है, लेकिन लेमन में आपका क्या हो जाएगा? ऑक्जैलिक एसिड नहीं होगा, क्या होगा? हाँ, सिट्रिक एसिड होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर रॉन्ग मैच हो जाएगा। नेक्स्ट द वीकेस्ट एसिड इज, तो सबसे वीकेस्ट एसिड यहाँ पर कौन सा है? तो ये आपका क्या होगा? बेंजो नो बेंजोइक एसिड आपका सबसे वीकेस्ट एसिड हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C7H6O2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ये सबसे वीकेस्ट एसिड है इस चारों में से।